सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है टीवीएस रेडर 125 के बारे में। रेडर 125 का सुपर स्क्वाड एडिशन आज के वीडियो में अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। रेडर लेने की प्लानिंग कर रहे हो, वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स और लेटेस्ट ऑन रोड प्राइसिंग भी रेडर सुपर स्क्वाड एडिशन की। तो इस टाइप से कुछ एमआईडी का स्टार्टअप था, एमआईडी भी नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे हो जाता है। तो ये अपना सुपर स्क्वाड एडिशन एक ग्राफिक्स के साथ सेटअप ये मिल जाता है। रेड कलर भी अवेलेबल रहता है, जो कि अभी आप लोगों को आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ पे बेसमेंट जो है वो गाड़ी का इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन के साथ ब्लैक ही रहेगा और एक वाइट, सिल्वर, एक पर्पल वाला शेड आपको मिल जाता है स्टिकरिंग में भी। और इस टाइप से ये नंबरिंग भी है यहाँ पे, जो कि आपको काफ़ी एक प्रॉपर स्पोर्टी टच दे देती है। रियर फेयरिंग पे ये आ जाता है आपका वकांडा फॉर एवर, इस टाइप से कुछ ये अपना प्रॉपर लुक और स्टाइलिंग इस पर्टिकुलर वेरिएंट का रहेगा। और हाँ, छोटी छोटी डिटेलिंग भी यहाँ पे आप लोगों को इस वेरिएंट में मिलेगा, जैसे कि एवेंजर्स का आपका प्रॉपर एम्बोज वाली मार्किंग रियर सीट पे भी है। यही वाला चीज़ आपको हेडलैम्प हाउसिंग पे भी देखने को मिलेगा, फ्रंट मडगार्ड पे भी स्टिकरिंग है। आगे चल के इन फ्यूचर जब भी स्टिकरिंग से बोर हो जाओ तो स्टिकरिंग आप लोग ना इजीली रिमूव भी कर सकते हो, तो एक कंप्लीट डार्क वाला थीम यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप लोग ये वाला जो क्लिप देख रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बाइक के सारे ही वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस भी। तो बेस वेरिएंट ये जो अपनी फर्स्ट बाइक थी, ये था आपका सिंगल सीट वाला। यहाँ पे सिंगल सीट और स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है, जो कि साइड बाय साइड आप लोग देख ही रहे हो। येलो कलर भी है सुपर स्क्वाड का ही, रेड कलर भी है, प्लस जो ब्लू वाला बाइक है इसका आपका एमआईडी रहता है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो बीटी कनेक्ट होने के बाद भी और काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे ऐड हो जाते हैं एमआईडी में, और साइज़ में भी डिफरेंट रहता है। तो ये अपना सारी डिटेल, कलर ऑप्शन, वेरिएंट्स भी कंप्लीट अब आ जाती है। मेजर चीज़ जो कि है जी पैसे, बजट सबके साथ रहता है ना। तो सुपर स्क्वाड एडिशन अगर आप लोगों को लेना है रेडर 125 का, तो ये पर्टिकुलर एडिशन आपको कॉस्ट करता है 1,20,800 रुपये, लगभग 1,21,000, 1.21 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज, ये आपकी प्राइसिंग है। अब इग्निशन अपना ऑन है, इग्निशन के साथ इस टाइप से ये एलईडी डीआरएल वाला पार्ट ऑन रहेगा। कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाता है लाइटिंग सेटअप में, इंडिकेटर हेलोजन है, हेडलैम्प आपका एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी में ही देखने को मिलेगा। अब ये रहा अपने पास अपाचे 204V, सेम इंडिकेटर है जो कि रेडर 125 में भी ये रहा अवेलेबल अपना रहता है। फ्रंट हेड पे नंबर प्लेट का होल्डर आ जाता है, रेडर का लोगो है, टीवीएस की मार्किंग है, प्लस ग्लॉसी ब्लैक वाला पार्ट ये आपको सभी कलर ऑप्शन में रहेगा। एक मैट ब्लैक वाला यूज़ भी है, हेडलैम्प हाउसिंग अपन लोग देख ही चुके हैं, इंडिकेटर भी अपन लोग देख चुके हैं। ब्रश क्रोम में आ जाता है अपना क्लच लीवर भी विथ रबर कवरिंग, और ब्रेक लीवर भी आपका ब्रश क्रोम में ही है। इस टाइप से रियर व्यू मिरर है, सेम शेप है जो कि आपको रेडर पे भी यही रहेगा, 164V पे भी यही है, और यहाँ देख लो 204V पे भी यही है। थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉइज आएगा, उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अभी शोरूम में ना थोड़ा सा रश बना हुआ है। फ्रंट हेड हो जाता है अपना कंप्लीट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। थिकनेस इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, जो भी 125cc सेगमेंट में अवेलेबल रहता है। ट्रेवल भी आप लोग देख सकते हो, इस टाइप से कुछ फ्रंट मडगार्ड है। इस गाड़ी का टायर आपका फ्रंट ये रहा, जो कि भाई मैं एक थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर करता हूँ, क्योंकि प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आती। ट्यूबलेस ये टायर है, टायर की ग्रेडिंग है 80/117, 80 सेक्शन है, ये कम से कम 90 होना चाहिए था, बट भाई यहाँ पर ना 204V में भी टायर दिखाते थे। चलो साइड बाय साइड तुम्हें ना, ये तो 200cc की गाड़ी है, यहाँ पे मिलता है 90 सेक्शन का, 90/90/17, ये 90 सेक्शन का टायर जो रेडर में मिलना चाहिए ना, वो अपने को 204V में मिलता है। तो उस पर अपन लोग सवाल जवाब कर ही नहीं सकते भैया। यहाँ पर ना इस टाइप से कुछ मडगार्ड आ जाता है अपना ड्यूल टोन में, बॉडी कलर प्लस मैट ब्लैक। टायर का सेटअप यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक बाइक हो जाता है ये। लुक भी अच्छे हैं, कलर ऑप्शंस भी अच्छे हैं, एक प्रॉपर अपाचे सीरीज़ वाला लुक यहाँ पर ना देखने को, कॉम्बिनेशन कुछ इंस्पायर्ड लुक मिल जाता है। इस टाइप से कुछ ब्रेकिंग सेटअप रहने वाला है। ABS यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, 125cc में सिर्फ एक ही गाड़ी है जिसमें कि अपने को ABS मिलता है, वो है एक्सट्रीम 125R, हीरो एक्सट्रीम में मिलता है ABS सिंगल चैनल, यहाँ पे ABS अवेलेबल नहीं है। ब्रेकिंग पे भी कोई भी मार्किंग यहाँ पे नहीं मिलती। फ्रंट डिस्क की बात करते हैं तो 240mm के लगभग अराउंड ये आपको फ्रंट डिस्क मिल जाएगा। पेट्रोल डिस्क ये रहने वाला है 240mm के अराउंड, इसका साइज़ अपना रहेगा। तो फ्रंट लुक ये आपका कंप्लीट, कुछ इस टाइप से कंप्लीट ओवरव्यू
बनेगा। साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप का है। अभी एग्जॉस्ट साइड भी आप लोगों को मैं आगे चल के दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से ये लुक बनता है। स्टिकरिंग अपन लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, यहाँ चलता है रेडर की मार्किंग, ये भी 3D एम्बलम वाला ही रहने वाला है। साड़ी गार्ड फुटरेस्ट भी है जो कि प्रैक्टिकलिटी को इनहेंस कर देता है। स्प्लिट सीट है, आपकी चॉइस है स्प्लिट लेना है या फिर सिंगल सीट लेना है, बट अगर सुपर स्क्वाड एडिशन लेना है ना तो स्प्लिट सीट ही यहाँ पे मिलेगा। और प्लस यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस भी आपको रियर सीट में मिल जाती है। अभी ओपन करके देखते हैं, फ्यूल टैंक कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे चार्जर भी है USB टाइप, फ्यूल कैप है, ये रहा 20 का लोगो, सेंटर वाला पार्ट आपका मैट ब्लैक में है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल 10 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक रहेगा। प्लस ये जो काउल वाला पार्ट है ये भी ना साइड प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर देता है। यहाँ पर जैसे अपना TVS का लोगो, स्टिकरिंग वही 66, ये भी आपका स्टिकरिंग का ही पार्ट रहेगा। ये रहा इंजन का लेआउट, प्लस लेग गार्ड भी यहाँ पे गाड़ी के साथ मिल जाएगा। एक इंजन काउल भी है स्टिकरिंग के साथ ही, सिंगल हेड में गियर लीवर, दोनों स्टैंड जाते हैं साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ। फुटपैक्स पे रबर कवरिंग राइडर के लिए है, पिलियन के लिए कोच भी नहीं है। स्टिकरिंग सेम वही। रियर टेल सेक्शन देखते हैं तो टेल सेक्शन कुछ इस टाइप से, टेल लैंप ऑन इग्निशन के साथ, ये की होल है सीट ओपन करने के लिए, TVS के स्टिकरिंग, नंबर प्लेट वाला बल्ब, हेलोजन, टेल टाइडी का जो शेप है वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस टाइप से चेन का सेटअप ये ओपन वाला है। एक ये आपको यहाँ पे कवरिंग थोड़ा बहुत पार्ट देखने को मिल जाएगा, बट ये ओपन है तो उसको ल्यूब और क्लीन करने का आपको ध्यान रखना रहेगा। इस टाइप से ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही स्पॉकेट का साइज भी मिल जाता है। रियर टायर, एक तो टायर यहाँ पर है TVS के, जैसा कि TVS में हमेशा से रहते ही हैं, ज़्यादातर बाइक्स में 100 सेक्शन का रियर टायर है, 80 सेक्शन का आपका फ्रंट टायर था। तो ये अपनी टायर का पैटर्न ये रहा। टेल सेक्शन भी कंप्लीट ग्रेव रेल सिंगल पीस में, सभी वेरिएंट्स में आपको ये बॉडी कलर वाला ही पार्ट देखने को मिलेगा। रियर ब्रेकिंग 130mm ड्रम, 130mm का ड्रम रियर में मिल जाएगा। और फ्रंट अपन लोग डिस्क देख ही चुके हैं, रिफ्लेक्टर जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे अगर ये एग्जॉस्ट भी ना जो सिल्वर फिनिश है इसकी जगह या तो ग्लॉसी ब्लैक होता है या फिर ये कुछ और होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा ना गाड़ी के साथ अलग से और अलग ना दिखता है, ये चीज़ एक है। अगर बाइक ले रहे हो तो इसको आप लोग पेंट करवा सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ, इस टाइप से कुछ ब्रेक लीवर आ जाता है। ये रहा पिलियन का फुटपैक। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 10 लीटर का, 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। और बाकी सारी चीज़ें अपन लोग देख ही चुके हैं। बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे TVS की मार्किंग है और ये एक ना फाइबर वाला कवरिंग भी मिल जाता है जिससे कि इंजन का कूलिंग वाला सेटअप रहता है। ऑयल चेक विंडो भी यहाँ पे नहीं है, प्लस किक भी यहाँ पे नहीं रहता। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है जिसमें किक अवेलेबल रहता है, और किक बिना इस कैटेगरी की 125cc सेगमेंट की किक एक अलग ज़रूरी चीज़ रहती है और डिमांड रहती है कस्टमर की। सो किक यहाँ पे आ जाए तो और ही अच्छा पार्ट हो जाएगा। 125cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड SI 3-valve इंजन यहाँ पे मिल जाता है, 5 गियर के साथ, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आपको सेटअप पर रहेगा। 11.38 HP का पीक पावर है, 11.38 HP का पीक पावर और 11.2 Nm का, 11.2 Nm का टोटल आपका ये टॉर्क रहने वाला है। आप देख रहे हैं एक बार ना सारी चीज़ें, ये अपना इंजन से रिलेटेड भी डन। माइलेज क्या आप लोग निकाल पा रहे हो आपकी रेडर 125 से, जो भी हो वो अपना कमेंट में ज़रूर से नंबर देना है। बात कर लेते हैं एक बार स्विच सेटअप की। सो ये क्लच का फील कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है, काफ़ी लाइट है। यह ज़्यादा अपना एक येलो में पास वाला स्विच, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, सिंगल बजर हॉर्न है, चार्जिंग पोर्ट है ही, हैंडल बार आपका कंप्लीट ब्लैकआउट। दो यहाँ पे एक मोड मिल जाते हैं, पावर मोड और इको मोड, जिसके लिए एक स्विच यहाँ पे अपने पास है। स्टार्टर ये रहा, बार एंड भी आपको मेटल में ही देखने को मिलेगा। की देखते हैं तो की यहाँ पे वेव की मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा पार्ट है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्पेशली, क्योंकि वेव की मेजरली एक कह सकते हैं 200cc के आसपास ही गाड़ियों में मिलता है, बट यहाँ पे 125 में भी वेव की मिल जाता है। MID का स्टार्टअप इस टाइप से था। गियर इंडिकेटर, क्लॉक, ऊपर RPM मीटर आ जाता है, हेलमेट का भी रिमाइंडर यहाँ पे शो होगा जब भी आप इग्निशन ऑन करेंगे, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, बाकी सारी वार्निंग लाइट्स है। ट्रिप भी यहाँ पे अभी शो हो रहा है। अब चेंजेस करने के लिए दो ये स्विचेस हैं। सो यहाँ जाता आपका रेंज एवरेज जो गाड़ी दे रही है यहाँ पे शो हो रहा है 40 का, ट्रिप ए, ट्रिप बी और रेंज, वही सब कुछ यहाँ पे रहेगा। ऑडोमीटर तो ये सब कुछ आपको मिलता है MID में। आप कर लेते बाइक को स्टार्ट, साइलेंट स्टार्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। अभी थोड़ा बाइक कोल्ड स्टार्ट पे है, हेडलैम्प का थ्रो जब तक देख लेते हैं अपन लोग ना। सो हेडलैम्प ये कुछ इस टाइप से ऑन है। अभी हाई बीम लो बीम वाला पूरा सेटअप है। सो ये पूरा सारे कंपार्टमेंट आपके ऑन हो चुके हैं। हजार्ड भी यहाँ पे भी मिलता है, हजार्ड मिलता है एक्सट्रीम 125 R में।
सो कुछ इस टाइप से ये अपना एग्जॉस्ट नोट रहने वाला है रेडर 125 का, MID का स्टार्टअप, एक और बार देख लो। और जो भी मोड पे गाड़ी रहेगा वो भी यहाँ पे शो होगा, जैसे कि इको है। अब इसको अपन पावर पे कर देते हैं, तो ये आपका ग्रीन की जगह ये आपका पावर ऑरेंज में आ गया। तो ये सब कुछ, सारी डिटेल डन कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर से बता देना है। बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो, वीडियो आप लोगों की यूज़फुल रहा हो तो ये चीज़ भी एक कमेंट में ज़रूर से बताना और एक लाइक भी ज़रूर से कर देना है। करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल रात 9 बजे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।